इंस्पेक्टर होश की काम करनी मानता 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 है और मैं इंस्पेक्टर घोष की पत्नी हूँ। ठीक है, मैं चलती हूँ, समय अभी मुझे बहुत ही काम करना पड़ेगा और मैं चलती हूँ। कहना है Yeah!
भट्टाराम, हमारे इस पार्टी के हास्य कलाकार झंडूराम, हवलदार झंडूराम। Thank you.
देती है साथियों, जिनका नाम है नीलम, पूनम और कंचन, सहारनपुर की मशहूर गाय थे। एमएलए और अब की पांचवी बार
हमने पर्चा दाखिल कर दिया है। क्या कभी और मैं सोचता हूँ इस बार फिर मैं इस राज्यसभा में जाने का काम बहुत जल्दी से हो जाए। क्या हमारे सामने दूसरा कोई चुनाव लड़ने वाला है आज तक कोई माइक का लाल पैदा नहीं हुआ है। और सर हाँ एक बात याद रखना, हाँ तू हमारा आदमी है। काम है हाँ कहा हाँ। तो हमारे आदमी हो कहा आदमी है यहाँ हम कहा आदमी है क्यों हम अपने नेहरू पार्टी में हुई तुम्हारा नाम छोटा आदमी हाँ बड़ी बात करता है। कहा क्या तुम हमारे आदमी हो या तुम्हारा आदमी हुई तो हमारे नेहरू हो होना चाहिए कि तुम हमारे यहाँ नौकरी करते हो हाँ हम तुमको पेट भर के भोजन खिलाता हूँ जी क्योंकि तू छोटा आदमी है हाँ। और तुम्हारी छोटी बुद्धि है ये माइंड काम नहीं करता है। हमारे साथ जब बड़े आदमियों का साथ करोगे तो बड़ी बुद्धि मिलेगी हाँ। और छोटे आदमी का साथ करोगे तो छोटी बुद्धि मिलेगी। अगर दारूबाज की दोस्ती करोगे तो तुमको दारूबाज सर हाँ। हमारे नाम से नारा लगाओ नेताजी ये हमारा वादा है अगली बार आपको हम सांसद कम से कम 2 लाख वोटों से आपकी बात जिताएंगे। हमारा वादा याद रखना एक भी मत दाता कहीं जाने ना पाए जैसे क्या हो समझ में जितने लोग हैं इनको सबको अपने अंदर में बना करके रखो। अगर किसी गरीब भाई को किसी प्रकार की परेशानी हुई तो हम चुनाव में हार भी जाएंगे। नेताजी इलेक्शन जीतना है गांव गांव में कच्ची शराब बनवा दो मुर्गा कटवा दो बगड़ा कटवा दो इलेक्शन जीत लेना। समझ रहा हूँ तुम्हारी बात को मैं समझ गया जी। इन लोगों को जितना खाए और पी आदर के साथ और महिलाओं को कम से एक एक साड़ी बांटने का काम कर दो जैसे क्या जिससे वो मतदान हमको मिले। नेता बने थे सीधा मुर्गी बन जाएगा बेटा क्या कोई कुछ नहीं कर सकते हैं। 4 बार चुनाव को जीत चुके हैं लेकिन क्षेत्र का कोई काम नहीं हुआ है। हमारे नेता बनी सिंह ने गांव में कोई विकास नहीं किया कुछ नहीं किया है। गांव में खरंजा नहीं बिछा कुछ नहीं हुआ है। किसी का आवास नहीं पास हुआ जी नहीं। विधवा पेंशन नहीं बनी जी नहीं। किसको जिताओगे आपकी बार हम लोग नेता जयराम को विजय बनाएंगे। ओ भाई साहब नेता जयराम को जिताओगे जी हाँ कुछ नहीं मैं नेता बनी सिंह के मैं प्रचारक हूँ नेता बने अनुसूचित जाति समाज जी हाँ। तो ठाकुर के मुकाबले आप पर्चा दाखिल कर दिए जी हाँ। जितना अधिकार
नेता बल वीर का है उतना अधिकार मेरा है। कहने मतलब आप नामांकन करने जा रहे हैं क्या? नामांकन? नामांकन नहीं बल्कि हम पर्चा दाखिल कर चुके हैं और क्षेत्र में आजकल हमारा बोलबाला चल रहा है। कहने मतलब आप इलेक्शन नेता बलवीर सिंह के खिलाफ लड़ने जा रहे हैं? जी हाँ नेता जी, अगली बार 2,00,000 वोटों से मैं जिताऊंगा। हमारे खाली दो काम कहेगा। कौन सा काम? हमारी विधवा पेंशन बनवाएगा। क्या विधवा? विधवा तो पेंशन बनती है स्त्रियों की, तो वृद्धा बन सकता है लेकिन विधवा तो नहीं हो सकता है। गाँव वाले कहा थे तुम्हें राशन न मिले? क्यों नहीं मिलेगा? कोटेदार कहा थे तुम्हें गल्ला न मिले? आखिर कोई कमी होगी? हाँ कमी बा। क्या बात है? हमारे पिए वाले चूची नावा न आएगा। चुप हो गए, पहले बोलना सीखो। हाँ उसे बीपीएल सूची कहते हैं। बीपीएल सूची? जी हाँ। अच्छा हम कहीं पिए वाले चूची राशन नहीं मिलता है तुम्हें। अगली बार नेताजी 2,50,000 वोटों से जिताऊंगा। ठीक है जैसी आप लोगों की इच्छा हो। नेता दा राम हो जिंदा हो। नेता दा राम जिंदा हो जिंदा हो। नेता दा राम नेता दा राम जिंदा हो जिंदा हो। मारते मारते मार डालूंगा। सारे नमक खाते हो हमारा और नाना। और अरे नेता जी आपके खिलाफ में एक नेता दयाराम, नेता दयाराम इलेक्शन लड़ रहा है, पर्चा दाखिल कर दिया। खामोश। नेता दयाराम हमारे खिलाफ पर्चा दाखिल करेगा। पूरा शहर जानता है हमारा नाम नेता बलवीर सिंह है। हमसे जो टकराएगा चूर चूर उड़ जाएगा। नेता दयाराम शेड्यूल कास्ट का आदमी है और तू किस कास्ट का आदमी है? कौन जात हुई हम? फिर नेता जी चमार हमको चमार बोलता है। सुना 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 मारा ना। हम कहे नेता जी चमार, नेता आप चमार हम। समझ गया तुम हमारा प्रचार कर दे रहे हो नेता बदल से। नेता बदल से। नेता बदल से। कहा जाते हो? वोट मांगे के का देबू? नेता दयाराम। दयाराम ना? अगर दयाराम को जिताए देबू तो बच्ची तुहार विधवा पेंशन बन जाए। तू के का देबू? तू के का देबू? दयाराम का। दयाराम का? हाँ। कई साल का हो? 19 साल। वोटर लिस्ट में नाम है? हाँ। तू बच्ची के का देबू? तू के का देबू? उनके चुनाव निशान जाने थे? नहीं। उनके निशान हुए खटिया। का हुआ? खटिया पर 7 बजे जाऊ लाइन लगा दी हूँ। 7 बजे लाइन लगा दी हूँ खटिया दी हूँ अपने घरे भाग जाऊ। तू क्या देबू? दयाराम का। दयाराम का? हाँ। अर्की तुहार कम से कम 1,25,000 रुपए का आवास पास करवाएंगे हम। ठीक ठीक। लेकिन है सुना अरे चला सखी तैयारी Yeah.
बताओ बुरा मौजा ये पूरा ग्राम सभा कहाँ जा रहा है? सब दया राम को बिताओ थे खाकर पटक दूंगा ढाई फीट जमीन में ढाई फीटों पर सभा नजर निकल जाएगी पंची बड़ा और तुम भी उसी के साथ में जा रहे हो। हम उन्हें दिया हमारा तीन वोट बा दो वोट तू ले जा एक वोट उन्हें दे दी क्यों गाये हो दो किलो मुर्गा दे दे खामोश शराब तुम्हारे पास आना चाहिए चला तुम्हें दिया बाबू तुम्हें दिया और याद रखना जितने बूथ हैं शारंगपुर में शाहपुर को कल्चर करवा देना है लेकिन सब घबराओ नहीं हमारे पास राजनीति का डिब्बा है हम डिब्बा खोलूंगा तो दयाराम की क्या औकात है जो चुनाव हमसे जीत जाएगा नहीं एक काम कर हमारे दोस्त किशन सिंह के नाम से फोन करो फोन को हमने डिब्बा डिब्बो कराया कृपया जांच लें सिम बदल गए 78 00 75 54 98 नंबर कहाँ लगा पुलिस शिकारी आओ जाए अच्छा हाँ एक नंबर गलत हो रहा है क्या 100 नंबर लागे हाँ चौदह